हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने वाला हूं, एक काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। कि सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, फ्रेंड्स किस किस कारणों से ये टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और क्या क्या सिम्टम होते हैं जिन सिम्टम के अकॉर्डिंग ये टेस्ट किया जाता है, इसकी सबसे लास्ट में हम इसकी रिपोर्ट डिस्कस करेंगे कि इसकी रिपोर्ट किस तरह से आती है और इसकी रेफरेंस रेंज क्या होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो कि प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस या सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट इज एन एक्सपेंसिव मेथड टू सेपरेट प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर नेट चार्ज, साइज एंड शेप। फ्रेंड्स, सीरम प्रोटीन या सीरम में मौजूद टू मेन टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन बोलते हैं जिनको। एल्बुमिन सीरम का मेन प्रोटीन कॉम्पोनेंट है और रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पीक, सबसे बड़े शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, जो फ्रेंड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के सबसे करीब होता है। बात करते हैं फ्रेंड्स ग्लोबुलिन की। ग्लोबुलिन टोटल सीरम प्रोटीन का बहुत छोटा फ्रैक्शन बनाता है, बट रिप्रेजेंट द प्राइमरी फोकस इन इंटरप्रिटेशन ऑफ सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। फाइव ग्लोबुलिन कैटेगरी आर रिप्रेजेंटेड। कौन कौन सी होती है वो पांच कैटेगरी, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू और गामा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस सीरम टेस्ट मेजर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन इन सीरम, यानी सीरम में डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन को मापता है। सीरम इज द लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी जो सीरम होता है वो हमारे ब्लड का एक तरल घटक होता है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर यानी थक्का जमने वाले जो कारक है वो नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटीन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं एंड दे मूव विच प्लेस इन द इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम कि इस टेस्ट में जो प्रोटीन है वो कौन कौन से, जैसा कि वैसे मैंने पीछे भी बताया कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। फ्रेंड्स, एल्बुमिन में सीरम में कुल प्रोटीन का 60% शामिल होता है, यानी कि अगर सीरम के अंदर बात करें तो 60% उसके अंदर एल्बुमिन होता है, और ग्लोबुलिन सीरम में एल्बुमिन के अलावा सभी प्रोटीन शामिल होते हैं, इसे अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू और गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी में डिवाइड किया गया है, जैसा कि भी मैंने पीछे भी बताया था। फ्रेंड्स, ये प्रोटीन इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग रेट पर चलते हैं और बैंड का एक अलग पैटर्न बनाते हैं, जो कुछ डिजीज की पहचान करने में हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस सीरम टेस्ट का उपयोग आमतौर पर सीरम में एम प्रोटीन नामक एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मल प्रोटीन की उपस्थिति की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट है ये एम प्रोटीन को पहचान करने के लिए या उसका डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। एम प्रोटीन मतलब माइलोमा प्रोटीन बोलते हैं जिसको हम। फ्रेंड्स, मल्टीपल माइलोमा यानी कि एक टाइप का कैंसर है। फ्रेंड्स, मैंने मल्टीपल माइलोमा के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी उस वीडियो को आप एक बार विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मल्टीपल माइलोमा जैसा कि एक टाइप का कैंसर है, ठीक है, तो वाले लोगों में एम प्रोटीन का जो लेवल है वो हाई देखने को मिलता है। बाकी आगे मैं इसकी रिपोर्ट भी डिस्कस करूंगा, जो मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में मैं इसकी रिपोर्ट डिस्कस करूंगा, वहां पे आपको दिखाऊंगा कि एम स्पाइक या एम माइलोमा कहां पर रिपोर्ट में मेंशन होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि फ्रेंड्स जो सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट है ये क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट क्यों किया जाता है, डॉक्टर क्यों ये टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या डायग्नोस करना होता है, यहां पर हम ये बात करते हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर आमतौर पर प्लाज्मा सेल्स, जो हमारी प्लाज्मा सेल्स होती हैं, उनको प्रभावित करने वाली कंडीशन का डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स कैंसर। ठीक है, वाल्डेन स्ट्रॉम के मैक्रोग्लोबुलिनेमिया, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स बी लिम्फोसाइट्स का एक टाइप का कैंसर। ठीक है, प्राइमरी एमाइलोडोसिस, ये एक ऐसी कंडीशन है फ्रेंड्स जिसमें शरीर के टिश्यू में एमाइलॉइड गुच्छे बनते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स मोनोक्लोनल गैमोपैथी, इनको डायग्नोस करने के लिए फ्रेंड्स सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट या सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट कराया जाता है।
प्लाज्मा सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो शरीर में इंफेक्शन से फाइट करने के लिए आवश्यक एंटीबॉडी का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा सेल्स हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स भी जिनको हम बोल सकते हैं, तो वो जो भी कोई हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है उससे फाइट करने के लिए ये तुरंत एंटीबॉडी बनाने लग जाती है। अब फ्रेंड्स यहां पर हम बात करते हैं कि प्लाज्मा सेल्स डिसऑर्डर इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, यानी कि जैसे कि हमने जो डायग्नोसिस बताए पीछे की क्या डायग्नोस कराने के लिए टेस्ट कराते हैं, लेकिन उससे पहले उसके कुछ सिम्टम्स भी आते हैं। तो फ्रेंड्स वो यहाँ पर हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं या आते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला इसमें सिम्टम्स आता है पेशेंट के अंदर या जो भी कोई पर्सन है उसकी जो बोन्स हैं, बोन्स में पेन हो सकता है, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, कमजोरी, थकान महसूस हो सकती है। फ्रेंड्स असामान्य रूप से उसको प्यास लगना, जी मिचलाना, बार बार फीवर होना, ठीक है, या बार बार कोई इंफेक्शन उसको हो जाना, जल्दी जल्दी उसको यूरिन आना, ठीक है। हड्डियों जो आसानी से फ्रैक्चर कर जाती हैं या हड्डियां जो बोन्स हैं वो आसानी से ही थोड़ी सी चोट लगने पे टूट जाती हैं। फ्रेंड्स ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है वो हाई होना, बैक पेन, कब्ज, तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स जो होते हैं उनमें भी ये टेस्ट कराने की डॉक्टर सलाह देते हैं। एबनॉर्मल प्रोटीन उत्पादन या हानि से जुड़ी अदर कंडीशन के डायग्नोस के लिए भी फ्रेंड्स ये टेस्ट कराया जाता है, जैसे कि ब्लड की कमी, ठीक है, थायराइड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, लिवर डिजीज, पुअर न्यूट्रिशन और इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इन्फेक्शन, इंफ्लामेटरी कंडीशंस, ऑटोइम्यून डिजीज, किडनी डिजीज। तो इन सभी फ्रेंड्स जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं इन सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर्स इस टेस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन क्या है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इन सिम्टम्स में सिर्फ ये प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये सिम्टम्स कुछ अदर डिजीज के भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको तो बताइए कि एक सिम्टम्स पे काफी सारी डिजीज चलती हैं, लेकिन वो डॉक्टर के ऊपर है क्योंकि डॉक्टर ही उस चीज को डायग्नोस कर सकता है। तो फ्रेंड्स अगर किसी को कोई इस तरह का सिम्टम नजर आता है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें कोई भी टेस्ट कराने से पहले। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं जो हमारा मेन पॉइंट था स्टार्टिंग में, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सबसे लास्ट में हम इस टेस्ट की रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर एक डमी रिपोर्ट पेस्ट की हुई है। तो इस टाइप से कुछ इसकी रिपोर्ट होती है जिसमें देख रहे हैं आप सबसे पहले प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस सीरम जो इस टेस्ट का नाम है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो हम टेस्ट करते हैं प्रोटीन टोटल, एल्बुमिन, अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बीटा 1 ग्लोबुलिन, बीटा 2 गामा ग्लोबुलिन, एजी रेशियो और सबसे लास्ट में एम स्पाइक। तो जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस किया था कि एम स्पाइक इसको हम माइलोमा स्पाइक भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ जगह इसको एम बैंड भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जैसा आप रिपोर्ट में लिख रहे थे इसमें लिखा है एम स्पाइक नॉट सीन, इसका मतलब जो ये रिपोर्ट है ये नॉर्मल है, इसमें एम स्पाइक नहीं है, ठीक है। आगे सबकी नॉर्मल लेंथ दी हुई है, जैसे हम बात करें प्रोटीन टोटल की तो 6.40 से लेके 8.30, तो ये सभी की नॉर्मल रेंज है यहाँ पर। और बीच में फ्रेंड्स इसकी यूनिट्स दी हुई है कि इसकी यूनिट होती है वो किस में, लीटर में है, मिलीग्राम में है, तो इसकी जो यूनिट रहती है फ्रेंड्स वो ग्राम पर डेसीलीटर में है ये, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स थोड़ी सी जो रेफरेंस रेंज है और जो वैल्यू है ये लैब टू लैब थोड़ा सा चेंज हो सकती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट थोड़ी सी चेंज आ सकते हैं, ठीक है। बात करें फ्रेंड्स हम इसकी की इसका जो सैंपल है वो कैसे लिया जाता है, तो एक रूटीन टाइप जैसे हमारे टेस्ट होते हैं रूटीन उसी की तरह से इसका सैंपल लिया जाता है, जैसे हम नॉर्मली एक ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो जो हमारी SST यानी सीरम सेपरेटिंग ट्यूब होती है उसके अंदर इसका 3 to 5 ml ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसको फिर हम 20 या 30 मिनट्स के लिए स्टैंडिंग पोजिशन पर रखते हैं जिससे कि ब्लड क्लॉट हो जाता है और क्लॉट होने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फ्रेंड्स उसका जो सीरम पार्ट होता है वो अलग निकाल दिया जाता है और फिर उसको टेस्टिंग के लिए या प्रोसेसिंग के लिए लैब भेज दिया जाता है। बात करें फ्रेंड्स हम इस टेस्ट के प्राइस की कि इस टेस्ट का प्राइस कितना होगा, तो इस टेस्ट का जो प्राइस है वो लगभग 700 से लेके 1000 या इसके आसपास, बाकी थोड़ा लैब टू लैब या हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल थोड़ा अप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स आगे हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे इस वीडियो का कि जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारी ये सारी जो नॉर्मल रेंज है जो हम इसमें टेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर वो पर्टिकुलर अगर बढ़ने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और घटने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस किस कंडीशन में ये घटता है, किस किस कंडीशन में ये बढ़ता है, क्योंकि अगर ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करते तो वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो थैंक यू सो मच।